Hello dear students, welcome back in your own class Seeing Science classes associated with PCB classes. In the last topic, that is yesterday, we discussed about the monohybrid cross, and with the help of monohybrid cross we discussed about the law of dominance and law of segregation. And today we discussed about the law of independent assortment with the help of dihybrid cross of Mendel. So without wasting the time, let's start our topic, law of independent assortment with the help of dihybrid cross. And before this, how are you? Acche honge. To chaliye start karte hain. Dihybrid cross. और इस क्रॉस की हेल्प से हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, क्योंकि इस क्रॉस से ज़्यादा बेहतर हम उसको समझ सकते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दुनिया का हर क्रॉस फॉलो करता है, तो ये भी फॉलो करेगा. एंड क्योंकि हम मेंडल के लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का फॉलो होना तो लाजमी है. तो सबसे पहले अब हम इस डाईहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग समझ लेते हैं. डाई मीन्स टू, तो एक्चुअली हम यहां पर कितने करेक्टर्स को कंसीडर करेंगे? हम टू करेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस. और हाइब्रिड का मीनिंग क्या है, क्योंकि यहां पर जो हमें करेक्टर्स मिलते हैं वो दोनों पेरेंटल्स के करेक्टर्स मिलते हैं. दोनों पेरेंट के करेक्टर्स होने के कारण हम टर्म हाइब्रिड का यूज करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. और यहां पर हम सिंपल से करेक्टर ले लेते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए. क्या हम यूज कर लेते हैं यहां पर, ये यह थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है, सीड शेप. और हम यूज कर लेते हैं क्या, सीड कलर. तो अगर हम देखें तो हमने कितने करेक्टर्स लिए, सीड शेप एंड सीड कलर. और फिर भाई कि मेंडल की किस्मत बहुत शानदार थी, तो आपको याद हो इस सीड शेप के एक्चुअली टू ट्रेड्स थे. कौन कौन से, एक था राउंड और एक था रिंकल्ड. एक था राउंड और एक था रिंकल्ड. और सबसे खास बात क्या थी कि जो राउंड था वो रिंकल्ड पर पूरी तरीके से डोमिनेंट था. सेम एज इन सीड कलर की बात करें हम, तो सीड कलर कौन कौन से, येलो सीड और कैसे सीड, ग्रीन सीड. आप लोगों ने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो तो मटर आप लोगों ने खाई होगी, तो जो आप पी खाते हैं उसमें एक पीली वाली मटर आती है जो पूरी तरीके से गोल होती है. और एक आप लोग यूज करते हैं फ्रोजन मटर. कई बार हम लोगों को लगता है कि वो फ्रीजिंग के कारण श्रिंक कर गई, तो ऐसा नहीं होता है. वो एक्चुअली रिंकल्ड ग्रीन होती है. आप अगर देखें तो वो गोल नहीं होती है, उस पर बहुत सारी श्रिंकेज होती है, तो वो रिंकल्ड ग्रीन. तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो आपको नॉर्मली पी प्लांट के सीड मिलेंगे वो आपको राउंड येलो मिलेंगे और रिंकल्ड ग्रीन मिलेंगे. ये नॉर्मल फिनोटाइप है जो हमें आसानी से देखने को मिल जाता है. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि राउंड और अगर हम बात करें राउंड ग्रीन नहीं मिलती, तो राउंड ग्रीन भी मिलती है. जो आप नॉर्मल मटर खाते हैं जो सीजनल आती है वो राउंड ग्रीन भी होती है. बट ये जो हमने जो इस टाइम पर करेक्टर्स और ट्रेड्स लिए हैं, ये मोस्ट ऑफ टाइम मिलने वाले करेक्टर्स यूज किए हैं. और फिर वही बात, जब भी हम क्रॉस बनाते हैं मेंडल के, तो मेंडल की सबसे खास बात क्या थी, और खास बात क्या थी, मेंडल की किस्मत कह लें हम ये, कि मेंडल ने एक्चुअली जो भी प्लांट यूज किया वो खुद में होमोजाइगस था. क्योंकि उनको देखने से तो पता नहीं चला होगा, एक सिंपल सी बात है कि वो अंदर तो घुसे नहीं होंगे. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जीनोटाइप क्या सामने से दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता, तो उन्होंने होमोजाइगस लिया था. तो हम भी यहां पर क्या यूज करेंगे, होमोजाइगस यूज करेंगे. तो चलिए हम इसके एलील्स लिख लेते हैं, और एलील्स के लिए इसको इतना रफ कर लेते हैं. यहां पर लिख लेते हैं हम कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. और ये कैसा हो गया, ये राउंड येल्लो हो गया. कैसा हो गया, राउंड येल्लो. इधर लिख लेते हैं हम स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. ये क्या हो गया, रिंकल्ड
ग्रीन हो गया। अब एक सिंपल सी बात है, जैसा मैंने कल बताया था, अगर हम इस क्रॉस को लिखते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन है वो साथ में मेंशन करते हैं तो जो थ्योरी पोर्शन है वो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप यहाँ पर थिंग्स को मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको इस क्रॉस के बाद वो सारी डिटेल आपको थ्योरेटिकल बतानी पड़ेगी। और मार्क्स की बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता, अगर ये आप मेरे बताए हुए थिंग्स के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज करोगे तो आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और ये 2 और 3 मिनट्स में क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो अगर हमें देखें ये कौन हो गए, पेरेंट्स हो गए। अब थोड़ी सी मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जब कोई चीज़ कॉमन लेना, आपको मालूम है कि जब दो एक जैसी चीज़ हो तो वहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, बाई कॉमन ले लेते हैं। तो एक्चुअली हमने गैमेट बना लिए। अगर आप देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी भी फॉलो हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि आपने इस मेथड से किया तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं फॉलो हुआ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मींस क्या था, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस और एट ए टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस एलील्स आर सेग्रीगेट। एक्चुअली सेग्रीगेट मींस होता है टू सेपरेट। तो आप देखो कैपिटल आर यहाँ पर किस में है, पेयर में है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अनपेयर्ड कर दिया, सेपरेट हो गए, अनपेयर्ड हो गया। दैट मींस अगर हम नॉर्मली देखें तो डिप्लॉइड कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट हो गई। तो यहां से हमने आर कॉमन ले लिया, यहां से बाई कॉमन ले लिया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो गया। और हमने पहले ही बताया कि इस दुनिया का कोई भी क्रॉस हो, आइदर द मेंडल क्रॉस और अदर क्रॉस, ईच एंड एवरी क्रॉस फॉलो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो कैपिटल आर स्मॉल बाई कॉमन ले लिया, यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल बाई। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये सर्कल क्यों बनाते हैं, तो एक्चुअल में जो मेंडल के क्रॉस थे और मेंडल ने जब पेपर पे इन क्रॉस को बनाया था तो उन्होंने जितने भी गैमेट्स और जितने भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते थे वो उनको सर्कल करते जाते थे, दैट्स वाई हम इसको सर्कल कर देते हैं। अगर आप सर्कल नहीं भी करेंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सर्कल करते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो ये क्या हो गए, ये गैमेट फॉर्म हो, और गैमीट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब ये गैमेटोजेनेसिस होती है तो यहाँ पर सेल डिवीजन कौन सा होगा, तो एक सिंपल सी बात है कि पेयर्ड कंडीशन अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस होगी। और हमने पहले ही आपको बता रखा है मोस्ट ऑफ केसेस में गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर क्या होती है, मियोसिस होती है एक्सेप्ट हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, यानी अगर ब्रायोफाइटा को आप छोड़ दो तो बाकी सारी जगह मियोसिस होती है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में कुछ थैलस कैसे होते थे, हैप्लॉइड होते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते थे, तो वहां पर क्या हो जाती थी, माइटोसिस हो जाती थी। तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, वो रेयर केस है, वो सिर्फ ब्रायोफाइटा के साथ होता है। नॉर्मल कंडीशन में गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर क्या होगी, मियोसिस होगी, तो यहां पर भी क्या होगी, मियोसिस होगी। अब सिंपल सी बात है, गैमेट फॉर्म हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्रॉस करा देते हैं, ये क्रॉस कराया, और क्रॉस करा के हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिल गया। ये आपको कौन सी जनरेशन मिल गई, F1 जनरेशन। F1 को और क्या बोल देते हैं, फिलीलियल जनरेशन। तो हमें ये कौन सी जनरेशन मिल गई, फिलीलियल जनरेशन 1। और हमें यहां पर क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि मेंडल का क्रॉस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो ही होगा। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि राउंड और येलो कैसा होता है, डोमिनेंट, और रिंकल्ड और ग्रीन कैसा होता है, रिसेसिव। तो सिंपल सी बात है कि F1 में क्या अपीयर होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस याद करिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ओनली द डोमिनेंट ट्रेट्स आर अपीयर इन F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन में कौन सा ट्रेट अपीयर होगा, डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होगा। डोमिनेंट ट्रेट कौन है, राउंड येलो। तो यहां पर किसका इफेक्ट होगा, राउंड येलो का। तो ये F1 जनरेशन में हमें 100% क्या मिलेंगे, 100% मिल गए हमें राउंड येलो। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गई। अब क्या हुआ, क्योंकि मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि कोई भी रिसेसिव करेक्टर सप्रेस नहीं हो, कोई भी रिसेसिव करेक्टर गायब नहीं होता, सिर्फ वो सप्रेस होता है उस जनरेशन में। इसको उन्होंने प्रूव करने के लिए क्या कराई, सेल्फिंग कराई। तो हम क्या करा लेते हैं, F1 की सेल्फिंग करा लेते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1
जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ एफ वन जनरेशन। तो सेल्फिंग ऑफ एफ वन जनरेशन का मतलब है कि एफ वन का क्रॉस हम किससे करा देंगे, एफ वन से ही करा देंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं हम, एफ वन में हमें क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर भी लिख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो चलिए आगे इसको लिखते हैं। अब फिर से अगर ये क्या हो गए, ये सेकंड जनरेशन के पेरेंट हो गए, तो यहां पर अब कॉमन तो ले नहीं सकते। तो यहां पर याद रखिएगा, गैमीट बनाने का एक तो तरीका ये है कि आप क्रॉस मेथड से बना लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी एक बार आपने इस कैपिटल आर का क्रॉस एक बार कैपिटल वाई से कराया, एक बार स्मॉल वाई से कराया, सेम ऐसे स्मॉल आर का क्रॉस आपने एक बार कैपिटल वाई से एक बार स्मॉल वाई से। और याद रखिएगा ये गैमीट फॉर्म हुए हैं, ये क्या फॉर्म हुए हैं, गैमीट्स फॉर्म हुए हैं। एक और आसान तरीका है जिससे आप गैमीट बना सकते हैं, और वो आसान तरीका क्या है कि आप यहां पर क्या करिए, आसान तरीका ये है कि आप दो बार कैपिटल आर लिख लीजिए और दो बार स्मॉल आर लिख लीजिए। लिख लिया आपने, अब बंटवारा कर दीजिए किसका, कैपिटल बाई स्मॉल बाई का। एक बार कैपिटल आर को कैपिटल बाई दीजिए, एक बार स्मॉल बाई दीजिए, इस वाले आर को एक बार कैपिटल बाई और एक बार स्मॉल बाई। एक थिंग याद रखनी है, ये दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। और याद रखना यह है कि अगर आप क्रॉस मेथड से गैमीट्स फॉर्म कर रहे हो, तो अगर आपने इस मेथड से गैमीट फॉर्म किए हैं इस साइड में, तो आप इस साइड में भी इसी मेथड से गैमीट का फॉर्मेशन दिखाएंगे। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो दोनों तरफ यही मेथड यूज करेंगे, बोथ आर जो है करेक्ट मेथड है। आप इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप यूज एक ही करोगे, ये नहीं कि इधर क्रॉस मेथड बना दिया और इधर ये नॉर्मल मेथड बना दिया। ओके, इज इट क्लियर। अब क्या कराएंगे, अब इनके बीच में क्रॉस होगा। कई बार बच्चे इस क्रॉस मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, हम करा क्या रहे हैं, हम करा रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, और यहां पर भी हमने गैमेट किससे फॉर्म किए, क्रॉस मेथड से। तो कई बार बच्चों को यह लगता है कि हमने ये जो क्रॉस कराया है, इस क्रॉस से ये ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, और बच्चे यहीं तक इस क्रॉस को छोड़ करके चले आते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक सिंपल सी बात है, ईच एंड एवरी ऑफस्प्रिंग किसकी तरह दिखाई पड़ता है, अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई पड़ता है। तो आप पेरेंट के पास देखो तो एक पेरेंट के पास टोटल एलील्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलील्स है ना। इसका मतलब कि पेरेंटल ट्रेट जो है उसके पास टोटल एलील कितने हैं, 4। तो याद रखिएगा यहाँ पर तो दो ही है ना, तो दो वाला कभी भी ऑफस्प्रिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि होगा तो अपने पेरेंट्स के जैसा ही ना। तो याद रखिएगा कि ये गैमीट फॉर्म हुए हैं, क्रॉस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें बनाने हैं ऑफस्प्रिंग की, ये कैसे कितने ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेंगे। सबसे एक सिंपलेस्ट मेथड होता है कि ये जो है इधर कितने गैमीट है, 1 2 3 4, 4 है ना, इधर कितने गैमीट है, 1 2 3 4, यानी 4, और हम क्रॉस करा रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकल देखें तो क्रॉस का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, 4 4 जा 16। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब कितने ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे, यहां पर 16 ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे। और जो अगला क्रॉस बनाएंगे हम वो क्रॉस मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि क्रॉस मेथड से बनाएंगे तो वो प्रॉपर बन नहीं पाएगा। इसके लिए हम एक साइंटिस्ट थे पनेट, उनका स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, और इसको ड्रॉ करने के लिए यहां पर जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे उनको ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा स्क्वायर यूज करेंगे, पनेट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, और कितने बनाने हैं, 16। कैसे पता चला, 4 4 जा 16, 4 गैमीट ये 4 गैमीट ये। तो यहां पर हम क्या बना ले, 16 स्क्वायर बना ले, ये 16 स्क्वायर बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर ये गैमेट लाइन से लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम ऐसे यहीं पर ये सीक्वेंस। एक बात और याद रखनी है, जो सीक्वेंस आप यहाँ पर लिखते हो वही सीक्वेंस यहाँ पर लिखिएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कभी भी। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर
कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सारे लोग वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, इतना क्रॉस यहां तक बनाएंगे। ये जो हम बनाने जा रहे हैं, आप मेरे साथ में वीडियो को पॉज करने के बाद जब आप ये कॉपी पे ड्रॉ कर लोगे, तो अब मेरे साथ हमसे पहले भी बनाने की कोशिश करिएगा। आप इसको देखते रहिए और साथ में बनाइए भी, तो ये जरूरी है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, क्रॉस करा लेते। इसका क्रॉस इन चारों से कराना है। तो देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट पे आ जाए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर आ जाए कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ध्यान से बनाइएगा इसको, कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड लास्ट वन स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये आपका क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम देख लें कि हमें कौन कौन से फिनोटाइप मिले। फिनोटाइप हमने क्यों बोला, जो आपको दिखेगा। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए यू आर इन द फील्ड, ठीक है। और जब आप फील्ड में हैं, तो आप मान लीजिए जो आपको सीड मिले आप वही तो देखोगे ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मिले। तो इधर वाला इतना पोर्शन हम इसको रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है अब। चलिए देखिए, ये देखिए, ये क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये क्या होगा, राउंड येल्लो। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं राउंड येल्लो। अब राउंड येल्लो काउंट करते हैं कितने मिले। दिस वन इज राउंड येल्लो, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होगा, येल्लो। ये राउंड येल्लो हो गया, देखिए ये भी राउंड येल्लो होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी राउंड येल्लो होगा। दिस वन इज ऑल्सो अराउंड येल्लो, दिस वन इज ऑल्सो अराउंड येल्लो, दिस वन इज राउंड येल्लो, दिस वन इज राउंड येल्लो, दिस वन इज राउंड येल्लो। तो अब टोटल काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिले आपको, 9। अब नेक्स्ट क्या है जो छोड़ा है, वहां से देखते हैं राउंड ग्रीन। देखिए कैपिटल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन। तो हमें सेकंड क्या मिला, राउंड ग्रीन। और अब ये मिला, तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक आपका दोस्त है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और वो एग्जाम में मार्क्स लेके आता है 100 out of 100। आप उसके दोस्त हो और आपके मार्क्स सपोज आते हैं 80 out of 100। तो आपके दोस्त के कितने मार्क्स आए, 100, और आपके कितने आए, 80। क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि आपके मार्क्स और उसके मार्क्स आपके मार्क्स को क्या अफेक्ट कर सकते हैं, कि घर वालों से कह दिए कि अरे मेरे दोस्त के तो आगे 100 नंबर, क्या फर्क पड़ता है मम्मी, नहीं है ना। इसका मतलब आपके मार्क्स आपके दोस्त के मार्क्स से कोई भी रिलेशन नहीं रखते। वैसे अगर आप देखो तो यहां पर क्या है, ये कैपिटल आर दैट इज अ डोमिनेंट, कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है ना। और स्मॉल वाई क्या है, रिसेसिव ट्रेट, क्या है, रिसेसिव ट्रेट। लेकिन फिर भी हमने क्या लिखा, राउंड ग्रीन। कायदे में तो क्या है कि ये राउंड वाला तो डोमिनेंट है, तब तो ये ग्रीन वाले को येल्लो कर देना चाहिए था,
कर देना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो भाई साहब डोमिनेंट के साथ है ना। लेकिन इस ग्रीन पर इस डोमिनेंट का, दैट इज इस राउंड का, इस शेप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसीलिए नाम भी क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द ट्रेट ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरा ट्रेट अदर ट्रेट को अफेक्ट नहीं कर सकता। दैट मींस अगर हमने यहां पर शेप एंड कलर लिया है तो शेप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कलर एंड कलर इज आल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप। इसीलिए क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पर डिपेंडेंट नहीं होता, जो भी ट्रेट है वो खुद में इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? आई थिंक सो, समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, कैपिटल आर डोमिनेंट है, बड़ा सिंपल टर्म में समझते हैं। स्मॉल बाई क्या है, रिसेसिव है। स्मॉल बाई से क्या होता है, क्या होता है, ग्रीन। कैपिटल आर से क्या होता है, राउंड। तो राउंड के साथ नॉर्मली क्या लिया था, येल्लो, तो इसको तो राउंड येल्लो हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्मॉल बाई ने कहा ऐसा है, तुम अपने घर से मतलब रखो, हम अपने घर से मतलब रखें, मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो राउंड ग्रीन आप काउंट कर लेते हैं, एक तो आपको राउंड ग्रीन ये मिला, एक आपको राउंड ग्रीन ये मिला, और एक राउंड ग्रीन ये मिला, तो टोटल कितने मिले आपको, 3। अब अगला ट्रेड देख लेते हैं, ये देखिए, इसको प्लस साइन दे देते हैं, ये क्या है, रिंकल्ड येलो। देखिए स्मॉल आर से रिंकल्ड हो गया और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, येलो हो गया। तो नेक्स्ट ट्रेड आपको क्या मिला, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने मिले, ये काउंट कर लेते हैं, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, टोटल कितने हो गए, 3। और सबसे लास्ट में पेरेंटल ट्रेड, रिंकल्ड ग्रीन, कितने, 1। तो अगर आप देखो तो आपको एक रेशियो मिल गया, 9:3:3:1। अब ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा रेशियो हो गया, फीनोटाइप रेशियो हो गया। कौन सा हो गया, फीनोटाइप रेशियो। इसका जीनोटाइप रेशियो हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कैसे निकालते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि जीनोटाइप रेशियो जब भी लिखते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा है। तो अगर आप देखो इसका तरीका क्या है, ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाइए, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला एक ही मिलेगा आपको, तो 1 लिख लीजिए, फिर एक लाइन। सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको इस मेथड से लाइन ड्रॉ करते जाइए। ये वर्चुअल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉपी में लिख के काटोगे तो एग्जामिनर आपका समझेगा कि अरे आपने काट दिया। तो जीनोटाइप थोड़ा सा बड़ा है, और तरीका अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान सा। आपने एक लाइन ड्रॉ करी, जब एक लाइन ड्रॉ करी तो आपको कितना मिला, 1। फिर क्या करें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करी लाइन आपने, तो आप देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, ये 2 मिले आपको, कितने मिले आपको, 2 मिले। तो यहां पर क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई कैपिटल बाई, और ये देखिए अब ये अगली लाइन जो है बीच में गैप करके लेते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 मिले, यहां पर लिखते भी जाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 मिला, फिर आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने मिले, 2 मिले, फिर आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने मिले, 1 एंड 2 लिख लीजिए, 2। फिर आपको ये देखिए ये बीच वाले को कवर कर लीजिए, इसको ऐसी लाइन बना लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 1 ही मिलेगा, तो इसके नीचे 1 लिख लिया। फिर ये एक लंबी लाइन खींचते, यहाँ से यहाँ तक पूरी आ रही है ना, ये देखिए पूरी लाइन आ गई। इस पूरी लाइन में देखिए सारे एक से हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, टोटल कितने मिले, 1, 2, 3 एंड 4, रेशियो 4। अब आगे बढ़ते हैं, सेम भाई मेथड ऊपर वाला अप्लाई कर रहा है, ये लाइन खींचोगे फिर एक बीच में गैप देके ये खींचोगे तो आपको कौन सा मिला,
कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कितने मिले? 1, 2, तो इसके नीचे लिख लीजिए 2, फिर ये वाले वा, इसको ऐसी लाइन खींच लेते हैं, कौन सा मिला? स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कितना है? 1 है ना, कैपिटल वाई ना, 1 लिख लीजिए, रेशियो 1। अब ये कितने? 2 हो गए, तो स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कितने मिले? 2 मिले, रेशियो 2। और फिर ये लाइन, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, रेशियो 1। अब टोटल काउंट कर लो, क्या 16 हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर कितने थे, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, और यहाँ भी टोटल कितने हैं? 16। अब ये काउंट करिए अपना रेशियो चेक करने के लिए, क्या ये टोटल नंबर 16 हो रहा है? अगर ये टोटल नंबर 16 हो रहा है, मीन्स आपने जीनोटाइप आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। द रेशियो इज, पहले काउंट कर लेते हैं, काउंटिंग 1 and 2, 3, 3 to 5, 5 1, 6, 6 4, 10, 10 to 12, 1 13 and 2 15 and 1 16, कितने ऑफस्प्रिंग थे? 16, और हमें रेशियो में भी कितने मिल गए? 16। अब जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया? 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, क्योंकि ये आपको दिखता नहीं है, आप किसी भी सीड को देख सकते हो, क्या कि उसमें कैपिटल आर है कि स्मॉल आर है, नहीं ना, तो जो दिखता नहीं है वो जीनोटाइप। तो ये कौन सा रेशियो हो गया? जीनोटाइप रेशियो। और जो आपको दिख रहा है वो कौन सा रेशियो हो गया? फिनोटाइप रेशियो हो गया। और जब भी रेशियो मेंशन करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप ये क्वांटिटी मेंशन कर दें कि 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो, अगर आप ये मेंशन करोगे तो सिर्फ क्वांटिटी से ये तो पता नहीं चल रहा ना कि कौन सा जीनोटाइप कितना मिला है, तो ये आपको जीनोटाइप मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो तो आपका क्रॉस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपका फिनिश हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू क्रॉस के साथ। एंड अब आपको एक थिंग बता दें, अब जो हम क्रॉस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो मेंडल क्रॉस नहीं है। मेंडल के सिर्फ आपको आपके जो क्लास है उसमें 2 ही क्रॉस पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो कंप्लीट हो गए। कल से हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है, और वो मेंडल के क्रॉस नहीं है। तब तक इनके बाकी ट्रेड्स के लिए आप क्रॉस बनाइएगा और क्रॉस करके मुझे मैसेज करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।